अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सो गाइस, आज का जो है ना व्लॉग नहीं है, एक सीरियस मुद्दा है हमारे गांव का। तो फिलहाल मैं हूँ हॉस्पिटल के अंदर। क्यों आपको दिखाई दे रहा है? ये हॉस्पिटल है, ये तो टट्टी है। हॉस्पिटल के अंदर हूँ, तो अभी देखते हैं इस हॉस्पिटल में जो है ना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो कागजात के अंदर कम्प्लीट है लेकिन ऐसे यहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। ठेकेदार जो इसका लंटर खा गया पूरा। बाकी जो हमारा ये क्राफ्ट डिपार्टमेंट है मेडिकल का, उसने तो इसकी वार्ड लगा के रखी हुई है। तो हमने सोचा हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, तो इसलिए हमने यूथ ने मिलकर, यूथ क्या मेरे साथ अभी पता नहीं कौन कौन खड़ा होगा, आप हैं जो मेरे साथ खड़े होंगे। तो हम इस हॉस्पिटल को जो है ना इतना बनाएंगे जो गरीब लोग हैं, मतलब जो यहाँ से मेंडर जाने का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पे फ्री में इलाज करा पाए। इतना हम जो है ना अपनी तरफ से कोशिश करेंगे करने की। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग, ये जो क्वार्टर्स बने हुए हैं। तो आपको डॉक्टर नहीं दिखा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आपको मैं डॉक्टर दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब, गाइस आप सुबह सुबह डॉक्टर साहब आए थे लेकिन ये जर्नल देकर वापस चले गए। अरे कहना क्या चाहते हो? बात अंडे वाला बर्गर, मुझे अंडे वाला बर्गर। क्योंकि यहाँ से अंदर नहीं घुसने हुआ उनको, तो आपको दिख नहीं रहा वो जो वाला जो ना एक MBBS डॉक्टर यहाँ पे बैठते हैं, दूसरे वाला MBBS इधर बाथरूम है। सॉरी बिल्कुल सॉरी। बाकी जो हमारा हॉस्पिटल वहाँ पे है, वो वाला हॉस्पिटल है, उसके अंदर भी चलेंगे। पहले फिलहाल आप इसके बारे में देखो, ये बिल्डिंग कहाँ गई है, मतलब कागजात के अंदर ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे देख लो आपको दिख क्या है। क्या ये हॉस्पिटल किसी की जान बचा सकता है? अगर बाई फॉल्ट यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको अगर 5-10 मिनट के अंदर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े तो वो क्या यहाँ पे हो सकता है? तो आप मेरी ये वीडियो ना सबसे पहले शेयर कर दो। ये बात DC SDM मेडिकल डिपार्टमेंट के होते हैं ना, वो EMO वगैरह EMO BMO जो भी है सबके पास पहुँचनी चाहिए। तो आप ही ये काम कर सकते हो, ये वीडियो शेयर कर सकते हो। आज मैंने आवाज उठाई है, कल आप भी आवाज उठाओ। अगर आज नहीं उठाओगे तो 25 के बाद इलेक्शन होने के बाद 5 साल आपको दिखेंगे नहीं ये। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आवाज उठाओ। तो इसके खिलाफ जो है ना मतलब कंप्लेंट करोगे, हमारा हॉस्पिटल जो है, जो जो फैसिलिटीज कागजात के अंदर हैं वो होने चाहिए। एम्बुलेंस है यहाँ पे, वो भी नहीं है। एम्बुलेंस जो है ना वो पिछले 1-1.5 साल शायद रही, उसके बाद नाम ही नहीं है। आई थिंक ये जो लिंक रोड जो है ये भी कंप्लीट है कागजों के अंदर, यहाँ पे नहीं है। आओ बाहर से दिखाता हूँ हॉस्पिटल का हशर क्या है। आप पीछे देख सकते हो हमारी ये बिल्डिंग का क्या हशर है, ना इसका लंटर डला हुआ, कागजात के अंदर पूरी कंप्लीट है ये। इधर आगे देखो ऐसे ईंटें पड़ी हुई है, और ये देखो ये वॉशरूम का सिस्टम है यहाँ पे। ये गटर है, इसमें जो है ना वहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से मिट्टी जा रही है। ये देखो अंदर क्या हशर है। ये है हमारा डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, और हमारे जो क्रप ठेकेदार है ना वो यहाँ पे देखो पूरे मेडिसिन पड़े हुए हैं। तो क्या ये हॉस्पिटल किसी की जान बचा सकता है? ये सवाल आप पूछोगे अपनी गवर्नमेंट से, अपने मेडिकल डिपार्टमेंट से। तो आपको ये वाली लिंक रोड दिख रही है, ये यहाँ से गाड़ियाँ नीचे जाती है, जब एम्बुलेंस आती है वहाँ से ऐसे आती है, ऐसे यहाँ से नीचे यहाँ पे रुकती है, और यहाँ से अंदर जो है ना पेशेंट्स को लेके जाया जाता है ना। मेहरतन भाई आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं एडमिनिस्ट्रेटिव से यही अपील करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ उसको, हमारे DC साहब को, हमारे SDM साहब को, BMO CMO जो भी हॉस्पिटल के जो भी मेडिकल के ऑफिसर हैं, उन सबको मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस चीज़ को देखें, आके देखें, मौके पर देखें, देख कर बताएं कि इस चीज़ पे जो छत था वो छत कहाँ पे, इस बिल्डिंग की खिड़कियाँ कहाँ पे, बाकी जो सुविधाएं हैं, लैब है, जो भी चीज़ें हैं इसको हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए। एक अलाबन हॉस्पिटल है ये, और ये क्वार्टर्स हैं यहाँ पे, इन क्वार्टर्स को अच्छे से आके देखा जाए। मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव से अपील है, DC साहब से अपील है मेरी, कि इस चीज़ को आके देखा जाए इसका छत कहाँ पे। अगर यहाँ पे इस बिल्डिंग की दीवारें खड़ी की गई तो इसका छत क्यों नहीं बनाया गया? इसकी इस हॉस्पिटल की जो रोड है, इस रोड की कंडीशन आप देख लो कि रोड में क्या हाल क्या है। यहाँ पे बेसें नहीं चल सकती हैं तो गाड़ियाँ कहाँ से चलेंगी, मुझे वो बताएं। और यहाँ की एम्बुलेंस कहाँ पे है, वो एम्बुलेंस भी देखना चाहते हैं हम। ये डॉक्यूमेंट के अंदर पूरी बिल्डिंग तैयार है, इसके ऊपर छत पड़ा हुआ है, प्लस्तर हुआ हुआ है, मेरे को यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है अंदर, पूरे वो पेड़ ही पेड़ घास, मेरे को बाकी कुछ ना ही कोई चीज दिखी है, देख सकते हो खुद ही आपके सामने ये सब। तो अभी फिलहाल हम आए मेन बिल्डिंग के अंदर, जो हमारा मेन हॉस्पिटल है, वो तो क्वार्टर्स थे, और इसकी भी हालत देख लो। पहले सबसे आपने सर पे दिखाओ, यहाँ पे देखो ये पूरा यहाँ पे प्लस्तर डैमेज हुआ है। इधर ये देखो ये खिड़की है, ये वो खिड़कियाँ दिख रही हैं, पास में आना थोड़ा सा। हाँ वो दिख रहा है। ये देखो ये खिड़कियाँ हैं, और ये देखो ये तारे बांधी हुई हैं अंदर, अंदर से दिखाता हूँ मैं। ये वाला रूम है, और इसके द्वारा चेक करो पास में आओ। ये देखो ये हॉस्पिटल है हमारा, तो यहाँ पे ये ओपन एसी है। एसी नहीं था तो इतना डिपार्टमेंट के पास जो हमारा टैक्स का पैसा जाता है ना वो कम पड़ गया था, तो यहाँ पे सीधा AC खोल दिया है, खिड़की तोड़ दी है। जो हमारा टैक्स है ना वो हराम का आता है, हम जो मेहनत की कमाई नहीं करते, तो हमारे हॉस्पिटल की ये हालत है। बाकी देख सकते हो पूरा प्लास्टर ही डैमेज हुआ है यहाँ पे,
तो ये शायद स्टोर रूम में, ये तो अच्छा खासा है। तो बाकी पीछे की खिड़कियां देखो, और यहाँ का वॉशरूम सिस्टम इतना गंदा है ना, जो यहाँ के लोकल डॉक्टर हैं अभी उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पैसे लगाकर वो जो है ना पूरा सही करवाया है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहा है, मतलब वो सिर्फ खाने में जो करप्ट सिस्टम है ना, सबको आपने जो ना इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करो, पूछ के डीसी एसडीएम जिसके पास आप पहुंचा सकते हो उसके साथ पहुंचाओ, और इस पर एक्शन लेना, और हम ही एक्शन लेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं वाल उठाएगा। आज मैंने उठाइए, कल आप फोन उठाओ, आप भी वीडियो बनाओ यहाँ पे आके कि हमारे हॉस्पिटल की यह हालत है। परसों इधर गाड़ी एक एक्सीडेंट हुई, तो अगर यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल होती तो आज हम उनको लेकर यहाँ से बाजार जाना नहीं पड़ता, यहीं पे उनका ट्रीटमेंट हो जाता। तो परसों मैं भी बीमार होता हूँ, मैं भी जो ना यहाँ पे आने का कोई सोचता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं ऐसा कुछ मतलब फैसिलिटीज ही नहीं है कि वो सोचे कोई बंदा मेरा डॉक्टर जो है यहाँ पे फ्री में इलाज होगा, कुछ भी होगा, कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा, उसको सिर्फ मजबूर जो है बाजार जाना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो। तो अगर हो पाया तो आप खुद भी आकर यहाँ पे विजिट कर लेना, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहा हूँ। मुझे पता आपसे होगा नहीं क्योंकि आप एसी में बैठे होंगे आराम से, तो एसी से थोड़ा सा बाहर निकलो, यहाँ पे देखो आवाम को क्या तकलीफ हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। अभी जो वोट आने में 25 तो उस तारीख को वोटिंग है शायद, तो जब वोटिंग की बारी आती है ये माइक लेकर खड़े हो जाते हैं गाड़ियों के ऊपर, तो जब हमारे काम की बारी आती है तो इनके माइक जो है ना, पता नहीं इनका एड्रेस नहीं मिलता, रहते कहाँ पे, सिर्फ वोट जब इलेक्शन आते हैं तब ये दिखते हैं कि हम भी कुछ हैं, तो जब इलेक्शन खत्म हुए जनता भाई बाढ़ में तो हम चले गए। तो यहाँ पे ना तीन पोस्टें वैकेंट है, दो है यहाँ पे, तीन पोस्टें वैकेंट है, एनओ सफाई वाला और डॉक्टर की पोस्ट। तो जो पेशेंट आएगा वो क्या इधर झाड़ियों में छाया लगाने आएगा, जब डॉक्टर ही नहीं होगा तो पेशेंट कहाँ से आएगा। डीएमओ साहब कुछ तो मर्यादा रखो, डीएमओ साहब आप भी कुछ रखो, एसडीएम सर कुछ तो कर दो यार, डीसी सर आप ही तो कुछ कर दो। तो हम मैंने ये बात बोली है, अब शायद कुछ लोग जो है ना मुझे दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दबने वालों में से नहीं हूँ इंशाल्लाह। मेरे जो मेरे वाले साहब हैं उन्होंने ये नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाया अगर सच पे है तो हक पे जो है ना टॉप पे रहना है, डरना नहीं है। तो अगर आप भी मेरे साथ सपोर्ट करोगे इंशाल्लाह हम जो है ना इस चीज़ को, इस हॉस्पिटल को बना कर रहेंगे। लेकिन सपोर्ट करना है, किसी को ये नहीं सोचना कि ऊपर जा रहा उसको नीचे गिराने की कोशिश नहीं करना है, तो मेरे से मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।